अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के हवाले से है, और उसमें हमारे टॉपिक का नेम है हीप ट्री। तो आज हम देखेंगे कि हीप ट्री को कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं कि हीप ट्री की कंडीशंस क्या हैं। हीप ट्री की सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि इट मस्ट बी बाइनरी ट्री। मीन्स BST। हीप ट्री की फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन है कि ये बाइनरी ट्री और होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है ये कंप्लीट ट्री हो और नियरली कंप्लीट हो। कंप्लीट ट्री और नियरली कंप्लीट ट्री से क्या मुराद है? कंप्लीट ट्री ये है, फॉर एग्जांपल ये एक नोड है, ये उसकी पेरेंट नोड, ये पेरेंट नोड है, ये एक चाइल्ड नोड है और एक ये चाइल्ड नोड है। ये लेफ्ट चाइल्ड नोड है, ये राइट चाइल्ड नोड है। तो मैं इसे LT कहता हूँ और इसे RT कहता हूँ। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। हमें कैसे पता चला कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? कोई भी नोड हो उसके कंप्लीट यानी कि बाइनरी ट्री में क्या आ सकता है कि 0, 1, 2, मैक्सिमम 2 उसकी चाइल्ड नोड हो सकती है। कोई भी पेरेंट नोड हो और उसकी मैक्स जो नोड है उसमें आ सकती है, यानी कि 2 आ सकती है, 2 नोड उसमें हो तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। नियरली कंप्लीट क्या होगा? नियरली कंप्लीट होगा कि पेरेंट नोड लेफ्ट साइड की तरफ, मैक्सिमम लेफ्ट साइड की तरफ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये राइट साइड की तरफ होता तो चाइल्ड नोड तो एक ही थी मगर वो राइट साइड की तरफ थी, लेकिन नियरली कंप्लीट के लिए जरूरी है कि वो लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट उसका चाइल्ड लेफ्ट की तरफ हो। नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन है कि जब हम हीप ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जो पेरेंट नोड है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड नोड एंड राइट चाइल्ड नोड। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जो पेरेंट नोड होगी उसकी जो उसके अंदर वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए लेफ्ट चाइल्ड नोड से और राइट चाइल्ड नोड से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 48, 29 एंड 50, ये हमारे पास गिवन डाटा है, हमने इसका हीप ट्री बनाना है। तो 48 सबसे पहले 48 को इंसर्ट करेंगे तो ये बना इसका पेरेंट नोड। 29 को इंसर्ट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ और 50 को राइट साइड की तरफ। अब हमने 29 को लेफ्ट साइड की तरफ क्यों इंसर्ट किया है? इसको पहले राइट साइड की तरफ भी इंसर्ट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले कोशिश करनी है कि जो हमारा ट्री बन रहा है वो कंप्लीट ट्री बने, और अगर कंप्लीट नहीं बन रहा तो नियरली कंप्लीट बने। तो हम सीक्वेंस ये है, इसका रूल ये है कि हम लेफ्ट साइड की तरफ से नोड इंक्लूड करवाना शुरू करते हैं। सो ये देखें, अब ये देखें 50 48 से बड़ा है तो हम यहाँ पे सॉलिड नहीं लगाएंगे बल्कि डॉटेड लाइन लगाएंगे। फिर ये डॉटेड लाइन है, 50 48 से बड़ा है तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा ट्री 50 29 एंड 48। तो ये जो डॉटेड लाइन थी ये अब सॉलिड लाइन हो गई है क्योंकि अब ये अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया है, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो ये जो अब ट्री है ये हीप ट्री है क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। नेक्स्ट ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि जो इसका पेरेंट नोड है वो इसकी चाइल्ड नोड, जो इसकी चाइल्ड नोड लेफ्ट चाइल्ड नोड और राइट चाइल्ड नोड दोनों से बड़ा है। तो आए अब हम एक गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स ट्री बनाते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास एक गिवन इंफॉर्मेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हमारे पास नोड बनेंगी। तो हम ये सबसे पहले इंसर्ट कराना शुरू करते हैं। इनिशियली जो हमारे पास हीप ट्री है वो एम्प्टी है, उसमें कोई नोड नहीं है। मैंने एच इसको नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 50 को इंसर्ट करवाएंगे, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो सबसे पहले
50 इंसर्ट हुई, ये एक नोड आ गई। फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड ये। नेक्स्ट हमारे पास 50 ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है 11, 11 छोटा है, लेफ्ट साइड की तरफ ले, 11 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, 11 50 से छोटा है, छोटा है तो ये सॉलिड डाई। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में हमारे पास आएगा, थर्ड स्टेप 50 और 11 हमारे पास पहले से 22, तो 22 राइट साइड की जाना। कंडीशन चेक हुई, 22 50 से छोटा है तो डॉटेड लाइन हो गई सॉलिड लाइन। नेक्स्ट स्टेप में 50, 11 और 22 हमारे पास, ये क्या बना है, 22 भी हो गया। अब आया 39, तो 39 को कहां ऐड करेंगे, अब आप यहां पे देख सकते हैं दो ही पाथ इस ट्री के हैं और दो ही पाथ इस ट्री के हैं, तो हम कंप्लीट या नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री चौके बनाना चाहते हैं, तो लेफ्ट मोस्ट साइड ये बन रही है, तो 39 को यहां पे इंसर्ट करेंगे, तो ये 39 हमने इंसर्ट किया लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन हमने डॉटेड लाइन लगाई बाकी एम्प्टी। अब ये देखिए 39 11 से छोटा है, सॉरी 39 11 से बड़ा है, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, 39 आएगा 11 की जगह पे और 11 आएगा 39 की जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में तो हमारा H बनेगा 50 22, अब 39 आएगा 11 की जगह पे, यहां पे आ गया 39 और 39 की जगह पे आएगा 11, ये अभी भी डॉटेड लाइन रहेगी। अब हम चेक करेंगे क्या 39 50 से छोटा है या बड़ा है, 39 50 से छोटा है तो ये डॉटेड लाइन हो जाएगी सॉलिड लाइन। नेक्स्ट हमारे पास है 52, अब हम 52 को यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे लेफ्ट मोर साइड, क्योंकि ये साइड ऑक्यूपाइड हो चुकी है, तो लेफ्ट मोर साइड ये। अब हमने देखा कि 52 39 से बड़ा है, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, 52 आएगा 39 की जगह पे और 39 आएगा 52 की जगह पे, ये हमारे पास आ गया 52 आया 39 की जगह पे, तो यहां पे आएगा 52 और 52 की जगह पे आया 39 और 11 रिमेनिंग अपनी जगह पे, मगर अब भी ये सॉलिड लाइन नहीं होगी, ये गलती नहीं करनी, इस स्टेप के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ये डॉट लाइन ही रहेगी। नेक्स्ट हमने चेक किया कि 52 तो 50 से भी बड़ा है, फिर इन दोनों को भी आपस में स्वाप करेंगे, तो हमारे पास जो है 50 आएगा 52 की जगह पे और 52 आएगा 50 की जगह पे, तो अब 52 चूंकि 50 से बड़ा है तो हम इन दोनों को स्वाप करेंगे आपस में, तो 50 की जगह पे आएगा 52, ये 52 आ गए 50 की जगह पे और 50 आएगा 52 की जगह पे 50, तो 11 39 और इसकी राइट साइड पे 22, तो अब चूंकि 52 तो पेरेंट नोड है तो ये सॉलिड लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है जी 52 ऐड कर लिया, नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 61, तो 61 ऐड होगा 22 की लेफ्ट साइड की तरफ, 52 लेफ्ट साइड की तरफ 50, इसकी लेफ्ट की तरफ 11, इसकी राइट साइड की तरफ 39, यहाँ पर 22 और लेफ्ट साइड की तरफ 61। अब क्योंकि 61 22 से बड़ा है तो हम 61 की जगह 22 लिखेंगे और 22 की जगह 61, तो इन दोनों को आपस में स्वाप करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 52 एज इट इज, 61 आएगा 22 की जगह पे, 61 इधर 50 की लेफ्ट साइड पे 11, राइट साइड पे 39 और 61 की जगह पे 22। अब आप ये देखें 61 जो है वो पेरेंट नोड से बड़ा है, तो हम इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज करेंगे, 61 आएगा 52 की जगह पे, 52 आएगा
69 की जगह पे। आइए देखते हैं, सिक्सटी वन आएगा 52 की जगह पे, 61 की जगह पे आएगा 52 राइट साइड की तरफ, 50 इसकी लेफ्ट की तरफ, 11 राइट की तरफ, 39 और 22। अब ये डॉटेड लाइन सॉलिड लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमने जो एलिमेंट इंक्लूड कराना है वो है 3, तो 3 आ जाएगा 52 की राइट की तरफ, तो 3 चौके 52 से छोटा है तो ये डॉटेड लाइन सॉलिड लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा फाइनली है, हमने 9 को इंक्लूड करवाना है, तो जो हमारा 9 है ये हमारा लास्ट चौके लास्ट नोड है हमारी, तो हम ये हमारा लेवल 0 था, दिस इज लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो जो कि लेवल 2 पे हमारे पास 4 नोड आ सकती हैं, तो 4 नोड, तो हम 4 नोड तो आ चुके हैं 1 2 3 4, तो हमने 9 इंक्लूड कराना है, तो हम जाएंगे लेवल 3 की तरफ, लेवल 3 की तरफ, तो हम हीप ट्री लास्ट नोड अपने इंक्लूड करवाएंगे, इसकी लेफ्ट की तरफ 50, राइट चाइल्ड 52, 50 की लेफ्ट चाइल्ड 11, इसका राइट चाइल्ड 39, 52 का लेफ्ट चाइल्ड 22, राइट चाइल्ड 3, हमारी लास्ट नोड 9 मोस्ट लेफ्ट मोस्ट साइड 9, तो इसको हम चेक करेंगे, ये 9 लेवल से छोटा है, ठीक है, तो ये हमारा हीप ट्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है, जो कि है नियरली कंप्लीट हीप ट्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आईटी को नेटवर्क उसका जल्द से जल्द जवाब देगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक आईटी कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द आईटी कनेक्ट को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।